और भाइयों वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था बट मुझे बोलना पड़ेगा कि इस मूवी का एक्शन जॉन विक मूवी के एक्शन को सरपास कर चुका है। भाई जो एक्शन इस मूवी में देखने के लिए मिला है कतई जहर। बहुत ही कम मूवीज हैं जो इस मूवी की तरह एक्शन दिखा पाती हैं, और जिस भी बंदे ने इस मूवी का एक्शन डिजाइन किया है बनाया है भाई उस बंदे को तो भाई सल्यूट करना चाहिए। ये मूवी आप लोगों के होश उड़ा के रख देगी और इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि इस मूवी में जो चीजें देखने के लिए मिलती हैं वो हर एक मूवी लवर देखना चाहता है और वो है भर भर के एक्शन। ऐसा एक्शन जो लोगों के दिमाग में खलबली मचा दे, लोग मूवी के एक्शन को देखने के दौरान खाना पीना भूल जाएं, और ऐसा एक्शन जिसे लोग तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं। और इस मूवी की एक अजीब बात यह है कि ये मूवी किसी भी फेमस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती है लाइक हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड। ये एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसका नाम आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा या फिर उस इंडस्ट्री की कभी आप लोगों ने कोई मूवी या वेब सीरीज भी नहीं देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशियन सिनेमा के बारे में। ये मूवी इंडोनेशियन सिनेमा से बिलोंग करती है। तो एक ऐसी ही मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसका नाम है द शैडो स्टेयर्स। इस मूवी में जितने भी कास्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वो सारे के सारे इंडोनेशियन हैं। अगर आप लोग किसी से पूछो कि हॉलीवुड में सबसे बेस्ट एक्शन मूवी कौन सी है तो वो जॉन विक का नाम जरूर लेगा। और सेम चीज इस मूवी के साथ में भी है। जब आप लोग इस मूवी को देखोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों को जॉन विक मूवी की याद जरूर आने वाली है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी भी जॉन विक मूवी की तरह ही है। लाइक इस मूवी की स्टोरी में मेन लीड में हम लोगों को एक्टर की जगह एक्ट्रेस देखने के लिए मिली है जो कि पूरी मूवी में बहुत ही तगड़ा एक्शन करती है। और हमारी हीरोइन एक निंजा है जिसका काम है लोगों को मारना, पर एक दिन वो एक छोटे बच्चे के खातिर एक बहुत बड़ी गैंग से पंगा ले लेती है। अब वो कैसे उस गैंग के साथ लड़ती है यही चीज जो है इस मूवी में देखने के लिए मिलेगी। और इससे भी अजीब बात यह है कि हमारी हीरोइन उस लड़के को सिर्फ 2 दिन से ही जानती है। भाई 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिसके खातिर वो लड़की पूरी गैंग से लड़ने के लिए अकेले तैयार हो गई। और इस मूवी की स्टोरी को देख के आपको कहीं ना कहीं जॉन विक मूवी की याद आई, और उसमें भी खास जॉन विक का पहला पार्ट जहां पे जॉन विक जो है अपने कुत्ते के खातिर पूरी गैंग को मार देता है। तो सेम चीज इस लड़की के साथ है जहां पे वो एक लड़के के लिए छोटे लड़के के लिए पूरी गैंग का सफाया कर देती है। आप लोग इस मूवी की हीरोइन को जॉन विक लेडी बोल सकते हो। जब आप लोग इस मूवी को देखोगे तो आप लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, वो ये है कि ये नहीं सोचा था। और जैसा कि इस मूवी की स्टोरी से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इस मूवी की स्टोरी यूनिक नहीं है। आप लोगों ने इस तरह की स्टोरी बहुत सारी मूवीज में पहले भी देख रखी होगी, और जितना सच ये है तो उतना सच ये भी है कि आज तक आप लोगों ने जितनी भी मूवीज और वेब सीरीज आप लोग देखते आ रहे हो उन सभी की स्टोरी कहीं ना कहीं किसी जगह से इंस्पायर होती है। मतलब किसी भी स्टोरी, कोई भी मूवी एकदम पूरा यूनिक है ही नहीं। आप पूरी मूवी इंडस्ट्री, पूरी वेब सीरीज को उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सभी मूवीज की स्टोरी कहीं ना कहीं से इंस्पायर रहती है, और उस स्टोरी में वो थोड़ा सा तड़का डालते हैं जिसके बाद वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो सेम चीज इस मूवी के साथ में भी है। ये मूवी टोटल आप लोगों को 2 घंटे के आसपास देखने के लिए मिलती है। साथ में इसमें अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे सबटाइटल में भी देखने के लिए मिल जाती है। ऑफकोर्स ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है और हिंदी डब इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ ही में आप लोग इसे अपने फैमिली के साथ ना देखो तो अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ न्यूड सीन वगैरह भी हैं। ऑफकोर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। बाय द वे जिसने ये मूवी देख ली है तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या सोचना है इस मूवी के बारे में। क्या आप लोग अभी भी मानते हो कि जॉन विक इस मूवी से अच्छी है? और इस मूवी की अच्छी बात यह है कि इस मूवी का हम लोगों को सेकंड पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा जिसे लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मूवी के साथ।